हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिनका डिटर्मिनेशन और इच्छा शक्ति को देख के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन द ईयर 1880 एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन रॉयबलिंग। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो एक स्पेक्टेकुलर ब्रिज बनाएंगे जो कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट करेगी। जब वो आइडिया उन्होंने अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर किया और पूरे वर्ल्ड को अपने नेक इरादों के बारे में बताया, तो उनको बहुत निराशा हुई। उनके जो इंजीनियर दोस्त थे और वर्ल्ड के जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा यही होगा कि तुम इस आइडिया को भूल जाओ। उन इंजीनियर दोस्तों ने यह कहा कि पहले ये कभी हुआ नहीं है, तो ये कभी हो नहीं सकता, ये ब्रिज कंप्लीट करना इम्पॉसिबल टास्क है। पर रॉयबलिंग अपने विज़न के बारे में बहुत क्लियर थे, वो आइडिया उनके मन में छप चुका था। रॉयबलिंग अपने आइडिया के बारे में दिन रात सोचते थे और वो ये मान चुके थे कि ये पॉसिबल है। अब उनको वो आइडिया किसी के साथ शेयर करना था जो कि ये माने कि ये पॉसिबल है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया, पर कोई नहीं माना, सभी ने कहा इम्पॉसिबल टास्क है। लास्टली उनके बेटे का नाम था वाशिंगटन, उनको ये आइडिया बताया तो 3 साल बाद उनको कन्विंस करने में सक्षम हुए, जो कि एक अपकमिंग इंजीनियर था। और ये बाप बेटे की जोड़ी ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए, और इस कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया कि कैसे इस काम को अंजाम देने में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको कैसे ओवरकम किया जाए। उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट के साथ अपना काम शुरू किया, ये टास्क शुरू किया। उन्होंने कुछ क्रू हायर किया जो कि इस काम को कर सकते थे, तो उन्होंने फिर ये काम प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुई, पर कुछ महीने बाद प्रोजेक्ट साइट में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट ने जॉन रॉयबलिंग की जान ले ली। वाशिंगटन तो जान से बच गए, पर उनके दिमाग में चोट आया जिससे कि वो बोल नहीं सकते थे और चल भी नहीं सकते थे, और किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को वो हिला नहीं सकते थे, सिर्फ एक उंगली को छोड़ के। अब दुनिया वालों के पास मौका था, बोलने लगे ये पागल और इनका पागलपन, अंजाम तो यही होना था। सभी के मन में ये चल रहा था अब ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि जॉन रॉयबलिंग के पास ये कॉन्सेप्ट था कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कम्प्लीट किया जा सके। अब वही नहीं रहा तो प्रोजेक्ट अब बंद होना ही था। वाशिंगटन हैंडीकैप हुए थे, पर उनके अंदर भी अभी भी बर्निंग डिज़ायर था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। वाशिंगटन ने अपने कुछ इंजीनियर दोस्तों के साथ अपना एंथुजियाज़म शेयर करने का कोशिश किया, लेकिन नाकाम रहे। उन दोस्तों ने भी इसको पागलपन करा दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पूरा पागलपन है, यह कभी कम्प्लीट नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन हॉस्पिटल के रूम में बेड में लेटे हुए थे, उन्होंने देखा सनलाइट बीम खिड़की के थोड़ो अंदर आ रहा था और हल्की हवा से उस विंडो का कर्टेन थोड़ा हिल रहा था, जिससे कि वाशिंगटन थोड़ा सा बाहर खिड़की के बाहर आसमान को और ऊंचे ऊंचे पेड़ के टॉप्स को देख पा रहा था। तो उन्होंने इसको देखा और फिर उन्होंने मन में सोचा शायद ये मेरे लिए कोई मैसेज है कि कभी भी हार नहीं माननी है, नेवर टू गिव अप। सडनली उनके मन में एक आइडिया आया, वो एक उंगली हिला सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि इस उंगली को मैं बेस्ट कैसे यूज़ करूं, उसका मुझे कोशिश करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में यही मेरा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। उन्होंने उस उंगली को अपने वाइफ के आर्म में रखा और थोड़ा इंडिकेट करने का कोशिश किया उंगली के थ्रू कि मेरे इंजीनियर दोस्तों को बुलाओ, तो वाइफ समझ गई। तो वाशिंगटन को भी समझ में आया कि उंगली के थ्रू मैं थोड़ा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो उन्होंने एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन उंगली के थ्रू किया, मतलब वो उंगली उसके वाइफ के आर्म में रखता था और उससे थोड़ा मतलब मेल झोल से वो वाइफ समझ जाती थी कि ये क्या बोलना चाहता है। एज़ वो वाशिंगटन बोल नहीं सकता था, कुछ हिल भी नहीं सकता था, सिर्फ उंगली हिला सकता था, उंगली को अपने वाइफ के आर्म में रख के वो कोड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा डेवलप किया और उससे उसको बताया कि मेरे इंजीनियर दोस्तों को बुलाओ, थोड़े इंजीनियर्स को बुलाओ जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं। तो उन्होंने उनके वाइफ ने उन इंजीनियर दोस्तों को बुलाया, तो इस तरह से उन्होंने एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया। ये लग रहा था थोड़ा फुलिश है, पर वो प्रोजेक्ट फिर से चलने लगा था।
वो कोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू इंजीनियर्स को डायरेक्शन देता था और उसी तरह से वो लोग काम में लग गए। पूरा 13 साल इसी कोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, वो ब्रिज पूरा हो गया, जिसको हम अभी ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को कनेक्ट करती है। ये ब्रिज एक प्रतीक है विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानने की। ये ब्रिज सफलता की कहानी बयां करती है जो कि उन इंजीनियर्स का जो कि 13 साल पेशेंटली काम करते रहे। ये ब्रिज एक प्रतीक है उस वाइफ के लव और डिवोशन का जिन्होंने 13 साल उस हस्बैंड के मैसेज को डिकोड किया और इंजीनियर्स को बताया। तो दोस्तों, जीवन में ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, पर उनको ओवरकम करके मंजिल तक पहुंचना ही सक्सेस है। तो दोस्तों, मेरा ये इंस्पिरेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, गुड डे।